Next one, most interesting case in bitwise operations. Here we are testing different flavors or combinations of bitwise operators. Here, concentrate on first expression. This is unsigned. Unsigned means typecast operator. इसके इसमें perform क्या कर रहे हैं? Typecast operator. Next one, bitwise ones complement operator. Next one, logical not operator. Function name is printf. Here printf is nothing but it is simply function name. Next, right shift y 12. What is the result of that expressions? Before solving that expression, how many operators are there? There are four operators. Typecasting is also unary operator. Complement not is also both are unary operator. But here, right shift is an binary operator. First one, total list out the all available operator in first expression. In that case, first of all, typecasting. Typecasting is into unsigned. Next one, ones complement, logical not, right shift. Total expression is expression के अंदर total number of operators कितने हैं? There are four operators. But one thing is new is here, printf. New thing क्या आपके लिए इस केस में? Printf function in case of function name. Function name के केस में regarding में discuss details में discuss करेंगे in case of during function pointer or arrays. Before that, इस फंक्शन के केस में बात करें फंक्शन नेम के प्लेस पर अगर थ्रू आउट सी प्रोग्राम किसी भी टाइप का फंक्शन नेम ऑफर होता है मे बी प्रिंट एप और एनी फंक्शन नेम मे बी यूजर डिफाइंड और प्री डिफाइंड फंक्शन नेम विल बी रिप्रेजेंटिंग इट्स बेस एड्रेस और मेमोरी एड्रेस मीन्स फंक्शन नेम के प्लेस पर रिप्लेस क्या हुआ सम मेमोरी एड्रेस और एड्रेस क्या हुआ ग्रेटर देन जीरो और सम पॉजिटिव नंबर मीन्स इट विल रिप्रेजेंट ट्रू फाइनली फंक्शन नेम कहीं भी अगर अप्लाई करते हो फंक्शन नेम का रिलेशनल एक्सप्रेशन के रिस्पेक्ट में कंसिडर करो एज अ वैल्यू एज ट्रू अगेन फंक्शन नेम्स विल बी रिप्लेस्ड बाय इट्स बेस एड्रेस ऑफ एनी वैल्यू ऑफ फंक्शन विल बी ऑलवेज पॉजिटिव नंबर और सी के केस में जीरो का मीनिंग फॉल्स होता है नॉन जीरो का मीनिंग क्या रहता है ऑलवेज ट्रू इसका मीनिंग क्या हुआ फंक्शन नेम इसका फंक्शन नेम्स के प्लेसेस पर कंसिडर करेंगे ट्रू ट्रू मीन्स समथिंग वन In that case, before solving this expression, check the highest priority operator. सबसे पहले apply क्या करेंगे? Priority rule, then only operator or expression solve करना possible है. Highest priority के किस मात्रा में? These beginning three are unary operator. This one is binary operator. Unary operator will take high priority over the binary operator. In that case, highest priority किसका है? Typecasting once complete or not तीनों के प्रायोरिटी कैसे हैं एग्जैक्टली सेम प्रायोरिटी अगर प्रायोरिटी सेम है तो इस केस में अप्लाई क्या करेंगे एसोसिएटेड रूल क्या है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट सॉल्व करें फर्स्ट यूनरी क्या है नॉट सेकेंड यूनरी इज कॉम्प्लीमेंट थर्ड यूनरी इज टाइप कास्टिंग देन इसके जस्ट बाद सॉल्व करेंगे राइट शिफ्ट ऑपरेटर बाइनरी इन दैट केस बिफोर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले टेस्ट क्या करना है नॉट राइट दिस एक्सप्रेशन इन हियर टाइप कास्टिंग इन टू अनसाइंड वंस कॉम्प्लीमेंट नॉट फंक्शन नेम एज प्रिंट एंड राइट शिफ्ट वाई 12 फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या टेस्ट होगा इसके इसमें नॉट ऑपरेटर व्हाट इज द ऑपरेंड फॉर नॉट ऑपरेटर ऑपरेंड फॉर नॉट इज प्रिंट एफ इज सम फंक्शन नेम विल बी रिप्लेस्ड बाई इट्स बेस एड्रेस इज ऑलवेज पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव मीन्स वी कैन कंसिडर लॉजिकली दिस वैल्यू एज ट्रू लॉजिकली एज ट्रू ट्रू मीन्स वन ट्रू के लिए जब नॉट अप्लाई करें तो नॉट कन्वर्ट किस में करेगा इसको फॉल्स में नाउ दिस एक्सप्रेशन विल बी रिप्लेस्ड एज फॉल्स फॉल्स मीन्स जीरो इसका फाइनली रिजल्ट क्या मिलेगा आपको रिजल्ट एज जीरो फर्स्ट वन After applying not operator, this expression will gives you false. False means zero. Right shift by 12. Next one, after that, second priority किसका है? Complement. What is the complement of zero? Complement of zero as by using short trick. Once complement of any number is equivalent to number plus 1 multiplied by minus 1. It is equivalent to minus 1. Therefore,
अनसाइंड कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा इसका माइनस वन, राइट शिफ्ट वाई 12। इन दोनों केसेस में बात करेंगे इसे इस प्लेस तक दोनों ही एक्सप्रेशंस के मीनिंग कैसे हैं, एग्जैक्टली सेम। मीन्स फर्स्ट एक्सप्रेशन सेकंड एक्सप्रेशन दोनों में डिफरेंस क्या है, बोथ आर एग्जैक्टली सेम एक्सप्रेशन बट हेयर टाइप कास्टिंग इज अप्लाइड टू द अनसाइंड, बट हेयर देयर इज नो टाइप कास्टिंग। इस प्लेस तक दोनों ही एक्सप्रेशन सिमिलर वे में टेस्ट करेंगे। इसके जस्ट बाद मीन्स इस केस में सबसे पहले फॉलो क्या हुआ, नॉट देन कॉम्प्लीमेंट, फाइनली इसका रिजल्ट क्या मिलेगा माइनस वन, आफ्टर दैट अप्लाई क्या हुआ राइट शिफ्ट बाई 12, राइट शिफ्ट बाई 12। सबसे पहले अनसाइंड फर्स्ट केस में सोल्व करने देना, अभी अप्लाई क्या करना अनसाइंड ऑपरेटर, सॉरी टाइप कास्टिंग के अकॉर्डिंग सबसे पहले टाइप कास्टिंग अप्लाई करने पहले राइट क्या करें इस केस में बाइनरी नंबर ऑफ माइनस वन, व्हाट इज द बाइनरी नंबर ऑफ माइनस वन, बाइनरी नंबर ऑफ माइनस वन इज 16 times 1, इस केस में अप्लाई क्या करेंगे ऑल टाइम्स 1। नेक्स्ट वन टाइप कास्टिंग के अकॉर्डिंग लॉजिकली इसमें मेमोरी में कोई भी चेंज नहीं होंगे, लेकिन जैसे इस माइनस वन के लिए टाइप कास्टिंग अप्लाई करेंगे, नाउ दिस नंबर कम्स अंडर एज अ अनसाइंड इंटीजर, अनसाइंड इट्स इक्विवेलेंट अनसाइंड वैल्यू 65535, क्योंकि 65535 और माइनस वन के बाइनरी नंबर्स कैसे सेम, यार माइनस वन इज एन साइंड रिप्रेजेंटेशन, 65535 इज एन अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन। आफ्टर दैट अप्लाई टाइप कास्टिंग के अकॉर्डिंग मेमोरी में कोई भी चेंज नहीं करोगे इन सेम मीनिंग्स, चेंजेस किसके मीन्स टाइप कास्टिंग का स्पेशली रूल अप्लाई किस केस में होगा ड्यूरिंग शिफ्टिंग, हेयर इज राइट शिफ्ट ऑपरेटर। तो राइट शिफ्ट के केस मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, रिमूव n बिट्स, हाउ मेनी बिट्स आर गोइंग टू बी रिमूव हेयर 12 बिट्स फ्रॉम लेफ्ट और राइट साइड, देयर सिंस ऑपरेटर इज राइट शिफ्ट देयरफॉर 12 bits are removed from right hand sides. These bits are going to be deleted. How many bits are remaining here? Only 4 bits. These 4 bits. Right like that. Remains 4 bits. 12 bits remove karne ke baad next time inside bhi kitne bits honge? Also 12 bits. अनसाइंड के केस में इनसाइंड बिट क्या हुआ, दोनों में डिफरेंस क्या था, इन केस ऑफ साइंड और अनसाइंड, साइंड के केस में इनसाइंड बिट क्या यूज करेंगे सेम है साइन बिट वन है तो 1, लेकिन अनसाइंड के केस में ऑल टाइम्स का इनसाइड होगा 0। इस केस में ऑलरेडी टाइप कास्टिंग के अकॉर्डिंग नंबर अनसाइंड में कन्वर्ट हो चुका है, इसलिए इस केस में रिजल्ट क्या आएगा ऑल टाइम्स जीरो इज गोइंग टू बी इनसाइटेड हेयर। लेकिन अगर इस केस में बात करें इन दैट केस सेकेंड केस में कोई भी टाइप कास्टिंग अप्लाई नहीं किया, इसलिए सेकेंड वन के केस में इनसाइटेड बिट क्या हुआ ऑल टाइम्स 1। इसको बाद में टेस्ट कर दें, बिफोर दैट व्हाट इज द रिजल्टेंट साइन बिट 0, साइन बिट 0 देन इसका डेसिमल वैल्यू क्या, इट इज इक्विवेलेंट टू 15, द आउटपुट ऑफ फर्स्ट लाइन इज 15। क्लियर, नेक्स्ट वी आर सॉल्विंग सेकेंड एक्सप्रेशन, second means that one, again applying not, it converted as 0, applying once complement right shift by 12, इस केस में कोई टाइप कास्टिंग अप्लाई नहीं है, डायरेक्टली क्या आएगा once complement 0 is minus 1 right shift by 12, binary number of minus 1 is all times or 16 times 1, right shift by 12, remove 12 राइट मोस्ट बिट्स, देन इनसाइड 12 बिट्स, रिमूव कितने बिट्स हुए 12, इनसाइड भी कितने बिट्स होंगे 12, लेकिन इस केस में इनसाइड बिट क्या, बाय डिफॉल्ट इस नंबर का टाइप क्या साइन इंटीजर, साइन बिट 1, इसलिए इनसाइड क्या हुआ ऑल टाइम्स 1, देन इसका वैल्यू क्या आएगा, प्रीवियस केस में अगर परसेंट डी से डिस्प्ले कराएंगे तो क्या मिलेगा 15, अगर परसेंट एक्स से डिस्प्ले कराएंगे देन क्या डिस्प्ले हुआ, what is the decimal, hexadecimal of 15, it is equivalent to f. Next one, in that case jab uska decimal value display karenge to binary means decimal value percent d ke case mein kya aayega, in case of percent d value is equivalent to minus 1, this is the binary value of minus 1. In case of percent x value displayed as hexadecimal, hexadecimal 4 bits ke pairs create karenge, this one gives 15 is equivalent to f f f, तो इस केस में क्या आएगा ऑल टाइम f, ऑल टाइम f।
देन आउटपुट क्या आएगा फाइनली 15 एंड माइनस 1 सेम वैल्यू और परसेंट x से डिस्प्ले करेंगे देन क्या मिलेगा फर्स्ट टाइम f सेकंड टाइम 4 टाइम f क्लियर।